एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवां करेले एक दूसरे स्टाइल से। ये देखिए, हम सबसे पहले करेले लेंगे, उनको ऐसे साइड से हल्का हल्का छील लेंगे, इसकी साइड्स कट कर देंगे और इनको अलग से रख लेंगे। इस टाइप से हम सारे करेले तैयार कर लेंगे। अब हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम पानी में इनको उबलने देंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और बहुत थोड़ी देर के लिए उबालना है, मतलब बहुत नहीं उबालना है, थोड़ी देर के लिए उबालना है। इसमें छिलका ना हमने बहुत कम निकाला, आप देखिए ऑलरेडी इस पे है, बस थोड़ा सा हल्का सा निकालना है। अभी पानी उबल जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। और प्याज को हम इस तरह से लंबा लंबा चॉप कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक, है ना, इस तरह से ले लेंगे। जितना हमने करेला लिया ना 600 ग्राम के करीब, उतनी ही हम प्याज लेंगे। हमने तेल को गरम कर लिया है, सरसों के तेल में हम पका रहे हैं। 4 से 5 टेबलस्पून डाला है इसमें। ये कटा हुआ अदरक डाल रहे हैं हम, कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं, इसको भूनते हैं, साथ में ये प्याज डाल देंगे। प्याज भी हमने आधा किलो ली है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हमारी पहुंच सके। इसमें ढेर सारी प्याज बहुत अच्छी लगती है। अब हम थोड़ी सी हल्दी इसमें भी डाल रहे हैं, प्याज में थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये देखिए हमने नमक हल्दी अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसको ना सॉफ्ट होने तक, पिंक होने तक भूनेंगे प्याज को। ये देखिए अब ये उबल गए हैं, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। अब डाल रहे हैं इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम थोड़ा ज्यादा डालेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब। थोड़ी सी रेड चिली कलर के लिए, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें अमचूर, क्योंकि हम कच्चा आम नहीं डाल रहे हैं, तो जितनी खटाई आप पसंद करते हैं। 1 चम्मच के करीब हमने इसमें अमचूर डाला है, 1 से 1.5 चम्मच। तो फ्रेश होना चाहिए अमचूर, तभी अच्छा आता है टेस्ट। जो पुराना अमचूर होता है ना, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो थोड़ी सी रेड चिली मैं और डाल रही हूँ, कश्मीरी है ये, तीखा आप जितना खाते हैं वैसा आप कर सकते हैं। इसको करते हैं मिक्स। और हर जगह, हर थोड़ी दूर में हर रेसिपी चेंज होती है। मैंने बहुत तरह से करेले डाले हुए हैं, बहुत तरह से खाती हूँ, और ये हमारे हेल्पर हैं जो अब एक और नई डिश हमें सिखा रहे हैं। तो इस तरह से भी आप बनाकर देखिएगा, मैंने खाए हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। और गरम मसाला डालेंगे हम 1/2 टीस्पून के करीब, फ्लेवर अच्छा आ जाता है इससे। इसको करेंगे मिक्स। और इस तरह से ना आप जरूर बनाकर देखिएगा, जब प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तब हम इसको बंद करेंगे। जब तक प्याज भुनता है तब तक हम निकालते हैं करेले के ये बीज, क्योंकि ये उबल गया है तो बहुत सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा ठंडा होने पे आप कीजिएगा। ये देखिए जो बीज हमें नहीं खाने हैं ना, वो निकाल लेंगे, ये एक्सपर्ट है, इसलिए गर्म में कर लेते हैं। आप ठंडा करने के बाद ही इसको ऐसे होलो कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ना हम अंदर से इसके बीज निकाल लेंगे जो भी पके हुए हैं। इसी तरह से सारे करेले करने के बाद, सारे करेलों के बीज निकालने के बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए मसाला ठंडा हो गया है, अब हम इसमें ना भर रहे हैं इसको, मसाले को। आप टेस्ट करके हमेशा देख लो कि कैसा है। इस तरह से पूरे अच्छे से इसको फिल कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छा तैयार हुआ है। और देखिए लंबी लंबी प्याज काटना ना मुश्किल भी नहीं है, अदरवाइज हम छोटी छोटी प्याज काटते हैं। ये देखिए हमने इस टाइप से इनको अच्छे से भर लिया है, सब रेडी हो गए हैं। और बस अब हमें थोड़ी देर पकाना है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको पकाएंगे। 1 टेबलस्पून तेल को हमने पका लिया है, अब हम उसमें डाल रहे हैं ये करेले। बीच बीच में ना हम इसको उलट पलट के सेक लेंगे,
और आप देखिए कहीं भी मसाला बाहर नहीं निकला, बस थोड़ा ध्यान से हमें करना है। ये देखिए इनको अब जितना आपको फ्राई करना है ना, जितना आपको इसको ब्राउन करना कर सकते हैं। जो हमने एक चम्मच एक टेबल स्पून तेल डाला ना, वो देखिए ये नीचे है, तो ये सब नीचे निकल जाएगा, आपके करेले बिल्कुल एज इट इज रह जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा और ब्राउन करूंगी। अब देखिए थोड़ी देर में ही जितना आपको, जैसे ऐसे अगर कलर करना है तो ऐसे रख सकते हैं इस तरह से, अदरवाइज गले हुए तो ये परफेक्ट है। मैं आपको यहाँ से इसी से कट करके दिखाऊं, इतने अच्छे से गल जाते हैं बिल्कुल एक मिनट में। ये देखिए सिलिकॉन का स्पैचुला है जिससे बहुत अच्छे से कट होगा, तो बहुत सॉफ्ट और पूरा ये, जैसे आप ऑयल में अगर फ्राई करते हैं ना तो स्किन बिल्कुल पतली सी रह जाती है, ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल स्किन जो है इसकी मोटी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बॉईल कर लिया था और थोड़ा सा ही ऑयल में। और इनको निकाल लेंगे, जो ऑयल है नीचे वो रहने देंगे, और जो ये हमारा थोड़ा सा भरने के बाद मसाला बन गया, बच गया था, उसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब देखिए ये करेले कितने बढ़िया से, कोई मसाला नहीं निकला है, और जो ये हमारा एक्स्ट्रा मसाला है ना वो हम इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। और इसके साथ ये इतने बढ़िया लगते हैं करेले, बहुत ही यम्मी मसाला है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। ऑयल आप कम कर सकते हैं, ये जो हेल्पर हैं ये थोड़ा सा ऑयल कभी कभी ज्यादा डालते हैं, पर इसके अकॉर्डिंग मैंने सीखा है, तो आप ऑयल जो है वो कम डाल सकते हैं। थैंक यू।